हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे सोलर पावर टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर हम लोग जो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है सोलर कुकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुकर के बारे में देखें। हमको लगता है कि सारे लोगों ने कुकर देखा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर एक घर में, हर एक किचन में यूज होता है। इसके बिना मतलब हमारे किचन जो है वो अधूरा है। ठीक है, तो कुकर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जो अपना खाना है उसको हम लोग पकाते हैं, वो दाल हो गया, सब्जी हो गया, चावल हो गया। ठीक, तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कुकर में किसी चीज़ को पकाने के लिए हम लोग या तो क्या करते हैं कि मतलब कि गैस का, एलपीजी गैस का यूज़ करते हैं। उसके ऊपर एलपीजी गैस के ऊपर हम लोग क्या जलाते हैं, उसके ऊपर अपन कुकर को रख देते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका कुकर है वो हीटेड हो जाता है, और कुकर के अंदर का जो भी मटेरियल है वो क्या होता है, वो कुक हो जाता है। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पे गैस चूल्हा अवेलेबल नहीं है वहाँ लकड़ी का यूज़ करते हैं, और लकड़ी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि स्टीम हीट जनरेट करते हैं, और उसके ऊपर अपना क्या करते हैं, कुकर रखते हैं, और उस कुकर के अंदर जो भी पकाना हो, ठीक है, उस देन उसके वो प्रेशर से वो पक जाता है। मतलब यहाँ पे एक बिल्कुल कॉमन सा चीज़ है, आपका वो गैस चूल्हा हो या आपका लकड़ी हो, तो इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि एक हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे मान लो कि सर्दी के मौसम में हमको सर्दी लगती है, ठीक है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, और लकड़ी जला के क्या करते हैं कि थोड़ा सा हीट को बढ़ाते हैं, हीट एनर्जी को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हमको सर्दी नहीं लगती है। तो कहने का मतलब यही है कि एक कॉमन सा चीज़ है, ठीक है, वो कॉमन सा चीज़ ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक हीट एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो आपका एलपीजी गैस चूल्हा हो या आपका लकड़ी हो या और भी कोई सा तरीका, ठीक है, या हम लोग हीटर भी यूज करते हैं। ठीक है, हीटर आपने देखा होगा कि हीटर के अंदर कॉइल्स लगी होती है, जैसे हम लोग सप्लाई देते हैं, वो जो कॉइल्स क्या होते हैं, हीटेड हो जाती है, और देन वहाँ से क्या होगा कि काफ़ी मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होती है, और उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रख के पका सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एक कॉमन चीज़ है वो है हीट एनर्जी। ठीक है, तो वो हीट एनर्जी हम लोग एलपीजी गैस का यूज़ करके हीट एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, या लकड़ी का यूज़ करके, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग हीट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। देन वहाँ पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ सोलर कुकर, हम सॉरी विद द हेल्प ऑफ कुकर हम लोग क्या करते हैं, खाना कुक कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे एक बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक चीज़ है जिसका नाम है सोलर कुकर। कुकर तो है, ठीक है, ये कुकर भी क्या करके खाना बनाने के काम आता है, लेकिन ये सोलर कुकर है। ठीक है, ये सोलर ऑपरेटेड है। ठीक है, जैसे मतलब कि सोलर लाइट आती है, ठीक है, तो वो लाइट क्या होती है कि सोलर ऑपरेटेड होती है। इसी तरीके से ये जो कुकर है, ये जो नॉर्मल कुकर से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो कुकर है वो क्या होता है कि सोलर ऑपरेटेड होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट या सन एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि एक हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, और उस देन हीट एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं कि उस कुकर को हीटेड करते हैं, और देन हम लोग जो भी अपना खाना जो अपना पकाना है या कुक करना है उसको हम लोग कुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर हम लोग लकड़ी यूज़ कर रहे हैं या एलपीजी यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा वेस्टेज ऑफ फ्यूल है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग गैस सिलेंडर मंगाते हैं उसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है, लकड़ी के लिए भी कहीं से लकड़ी खरीद के लाते हैं, या जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर उस तरीके से हीटर यूज करते हैं तो बिजली का बिल भरना पड़ता है। लेकिन हम लोग सोलर कुकर की बात कर रहे हैं, तो इस सोलर कुकर के लिए आपको किसी भी तरीके का बिल देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो आपका सनलाइट है, जो सन एनर्जी है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है, तो हमको इसके लिए किसी भी तरीके का मतलब कि बिल देने का आवश्यकता नहीं है, और इस तरीके का सोलर कुकर यूज करके हम लोग क्या करके अपना खाना कुक कर सकते हैं, और जो अदर रिसोर्सेज है जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गया, लकड़ी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, उनका हम लोग सेविंग कर सकते हैं, उनको हम लोग बचा सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सा फंडा है, इसमें भी हम लोग क्या, जैसे हम लोगों ने देखा था वाटर हीटिंग सिस्टम में, तो विद द हेल्प ऑफ कलेक्टर हम लोग क्या करते थे कि उस सनलाइट को हम लोग अब्जॉर्ब करते थे, ठीक है, और देन उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, और देन उससे हम लोग क्या कहते हैं वाटर को हीटेड करते थे। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है कि हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कलेक्टर हम लोग ऐसा सिस्टम मतलब इसमें डेवलप, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके का लेंस यूज करते हैं, और उस लेंस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो सनलाइट है वो एक जगह पे
रेडिएट होती है, ठीक है, और उसके बाद उस मिरर पर रेडिएट होती है, और वो मिरर क्या करते हैं उस सनलाइट को किस एक जगह पे क्या करती है, फोकस कर देती है। अब ठीक है, उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हीट एनर्जी जनरेट होती है, देन उस हीट एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो खाना है उसको हम लोग कुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सिंपल सा एक फंडा है। तो विद द हेल्प ऑफ सोलर कुकर के अंदर हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, और उस हीट एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि सोलर कुकर को ऑपरेट करते हैं और उससे हम लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपका बेसिक्स पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पे कि वी यूज ए सोलर कुकर फॉर कुकिंग द फूड बाय यूजिंग द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन। ठीक है, सोलर कुकर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं खाना बनाते हैं, और उसमें जो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं वो एनर्जी किसके द्वारा प्राप्त होती है, वो एनर्जी प्राप्त होती है सन के द्वारा। क्लियर? और ये जो एनर्जी है बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सोलर कुकर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट सनलाइट वार्म्स ए पॉट विच इज यूज फॉर कुकिंग द फूड। सिंपल सा है कि जो सोलर कुकर का प्रिंसिपल ये है कि जो सनलाइट है वो जो आपका कुकिंग पॉट है उसको क्या कर देगा, हीटेड कर देगा, गर्म कर देगा। ठीक है, देन जैसे वो पॉट हीटेड हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे इजीली जो भी अपने को खाना पकाना है हम लोग खाना पका सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इसमें, ये बोल रहा है नाउ, अब दिस वार्मिंग ऑफ द पॉट अकर बाई कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू हीट एनर्जी। ठीक है, तो नाउ दिस वार्मिंग ऑफ द पॉट अकर्स बाई कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना सनलाइट है, ठीक है, उस लाइट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं कि हीट एनर्जी में क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं, देन उसे आपका जो पॉट है उसको हीटेड करते हैं, और जैसे ही पॉट आपका हीटेड हो जाता है देन उसको हम लोग कुकिंग पर्पज में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कनकेव मिरर, ये आपको ध्यान में रखने का चीज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सोलर कुकर के अंदर किस तरीके का हम लोग लेंस यूज करते हैं, किस तरीके का मिरर यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग हमेशा आपको ध्यान में रखना क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसके लिए हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, कि सोलर कुकर के अंदर हम लोग किस तरीके का मिरर यूज कर रहे हैं लाइट एनर्जी को एक जगह फोकस करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कुकर। किस टाइप ऑफ कुकर, कैसे, मतलब सोलर कुकर के अंदर हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, बिकॉज दिस मिरर रिफ्लेक्ट सनलाइट इनटू ए सिंगल फोकल पॉइंट। ठीक है, मतलब इस तरीके का जो कुकिंग सिस्टम है या सोलर कुकर, उसके हम लोग क्या करते हैं कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, और ये क्या करता है कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है किसी एक सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, ये सनलाइट को क्या करेगा किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। ठीक है, एक जगह पे इस मिरर से टकराने के बाद जो लाइट है, ठीक है, वो लाइट है किसी एक पॉइंट पे क्या होगी, कॉन्सेंट्रेट होगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होगी सनलाइट। कॉनकेव मिरर आर यूज इन दिस टाइप ऑफ कुकर बिकॉज दिस मिरर रिफ्लेक्ट सनलाइट इंटू ए सिंगल फोकल पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, देन वहां पे क्या होगा कि हीट एनर्जी किसी एक पॉइंट पे जनरेट होगी। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग, हियर दिस मिरर फोकस सन रेज ऑन टू ए रिसीवर सच एज कुकिंग पैन। ठीक है, हियर द मिरर फोकस सन रेज, यहाँ पे ये मिरर क्या करेगा, सन रेज को किसी एक जगह पे क्या करेगा, फोकस करेगा, जिसको हम रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, रिसीवर के अंदर इस जो आपका मिरर है उसका मेन काम क्या है कि सनलाइट को किसी एक जगह पे फोकस करना। ठीक है, फोकस करना, जस्ट लाइक कुकिंग पैन। ठीक है, मतलब कुकिंग पैन जिसपे हम लोग खाना बनाएंगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर का मेन काम क्या है कि उस लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके किसी एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहा है कि ये जो मिरर है वो सन रेज को के मतलब सन रेज ऑन टू रिसीवर, ये क्या करेगा कि रिसीवर के ऊपर क्या करेगा, फोकस करेगा, सच एज कुकिंग फैन। मेन मिरर का मेन काम ही है, ठीक है, कि मिरर का मेन काम यही है कि जो सनलाइट है
रिसीवर के, रिसीवर पे क्या करना, फोकस करना, ठीक है, और देन उसे क्या होगा कि वहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और वो जो आपका रिसीवर है वो क्या हो सकता है, कुकिंग पॉट हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम लोग खाना को बनाएंगे, ठीक है, कुकिंग पैन हो सकता है, या कुकिंग या कुकर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए सोलर कुकर लेट्स द यूवी लाइट, यूवी लाइट का मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, ए सोलर कुकर लेट्स द यूवी लाइट्स रे इन, ये एक तरीके का सोलर कुकर क्या कर गया कि जो यूवी लाइट्स है उसको तो अंदर आने देता है, ठीक है, ए सोलर कुकर लेट्स द यूवी लाइट्स रे इन एंड देन ट्रांसफॉर्म देम इंटू ए लॉन्गर इंफ्रारेड लाइट, फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है कहाँ पे, लॉन्गर इंफ्रारेड लाइट के रूप में, ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये एस्केप नहीं होता, एस्केप का मतलब बाहर नहीं जाता है, ठीक है, बाहर नहीं जाता, इसको ध्यान में अपने के रखने की जरूरत है कि जो सोलर कुकर है वो यूवी लाइट को अंदर तो आने देता है बट बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है, जो सोलर कुकर है वो यूवी लाइट को अंदर तो आने देता है बट वो बाहर नहीं जाने देता, ठीक है, अगर वो इंफ्रारेड जो बाहर ही चला गया था, ठीक है, तो मतलब जो हीट एनर्जी वो लॉस हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से सोलर कुकर यूवी लाइट को क्या करेगा, अंदर आने देता है बट उसको एस्केप नहीं होने देता है, क्लियर। नेक्स्ट, इसमें क्या करेगा, इंफ्रा रे रेडिएशन हैव द एनर्जी टू मेक द वाटर फैट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन फूड, ठीक है, इंफ्रारेड क्या करेगा कि जो फूड के अंदर जो आपका वाटर होता है, जो फैट होता है या जो प्रोटीन्स होता है, ठीक है, उसके अंदर एक क्या करता है कि मतलब वाइब्रेशन पैदा करता है और उसको हीट करने का काम करता है, ठीक है, तो जो आपका इंफ्रारेड है उसका मेन काम क्या है, तो जो फूड है, ठीक है, उस फूड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जस्ट लाइक वाटर है, ठीक है, या आपका फैट्स है या प्रोटीन है, उसको क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, उसमें कंपन करता है और उसको हीट करने का काम करता है, ठीक है, वाइब्रेट एंड हीट अप, ठीक है, तो इंफ्रारेड का मेन काम क्या है कि जो फूड के अंदर जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करेगा, हीटिंग करने का काम करता है, ठीक है, तो इंफ्रारेड के द्वारा हम लोग जो फूड है उसको हीटेड कर सकते हैं, उसको पका सकते हैं, क्लियर। आगे देखें, यहाँ पे बोल रहा है कि द प्रोसेस बाई विच द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एनर्जी एंड द रिसीवर मटेरियल्स टर्न लाइट टू हीट इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रोसेस के द्वारा आपका क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन, कंडक्शन एक प्रोसेस है, कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आपका जो सन एनर्जी है वो हीट एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट, मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना कि किस विधि से जो एनर्जी है वो किसी बॉडी में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो उसका बहुत कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन होता है या इंफ्रारेड होता है, ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन, इसको याद रखिएगा, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द इंट्रैक्शन बिटवीन द लाइट एनर्जी एंड द रिसीवर मटेरियल टर्न्स लाइट टू हीट एनर्जी, ठीक है, रिसीवर के ऊपर क्या होता है कि वो लाइट एनर्जी क्या होती है, रिसीव होती है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी लाइट एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट है, जस्ट लाइक कलेक्टर, कलेक्टर के अंदर क्या होता है कि कलेक्टर का मेन काम क्या था, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करना, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन मैक्सिमाइज दिस ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग मटेरियल डैट कैन कंडक्ट एंड रिटेन द हीट, ठीक है, मतलब इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में हम लोग हीट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका एक इंट्रोडक्शन था आपका सोलर कुकर के बारे में, ठीक है, और इसके बारे में हम लोग आगे इसका प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, ठीक है, इसके हम लोग टाइप्स स्टडी करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका टाइप्स क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके एडवांटेज के बारे में एंड देन इसके डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।